नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस पर आज रात 8 बजे अपनी बात रखेंगे, देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कोरोना से अब तक 10 मौतें हो चुकी हैं, 519 संक्रमित हैं। कल से 3 दिन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है। देश भर के ज्यादातर जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन पर दिल्ली सरकार भी सख्त है। धारा 144 दिल्ली में लागू हो चुकी है, कर्फ्यू लगा हुआ है और ऐसा ही कोई बड़ा फैसला हरियाणा में भी लिया जा सकता है। तो पीएम मोदी सख्त है, आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। अब तक 519 पॉजिटिव केस मिले हैं, 10 की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी कोरोना पर रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। ललित, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, आंकड़ा 519 का हो चुका है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये दूसरा संबोधन है और इस दूसरे संबोधन के बीच की अगर दूरी को देखा जाए तो आज जो है 24 तारीख हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने तकरीबन 5 दिन पहले संबोधन किया था, तो इस संबोधन के बीच में आज प्रधानमंत्री, जहां तक मुझे लगता है रंजना, वो लोगों से ये अपील करने वाले हैं, लोगों को ये समझाने वाले हैं कि जिस कोरोना बीमारी को लेकर इस वक्त लगातार सरकार काम कर रही है, अब वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो लगातार जो काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए कर रही है। सरकार का मोटिव ये है कि सरकार आपको सुरक्षित तरीके से इस महामारी से बाहर लेकर आए, तो ऐसे में जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप जो है इस वक्त सरकार के साथ खड़े हों। और प्रधानमंत्री का जो अंदाज है बोलने का और प्रधानमंत्री का अपनी बात को रखने का जो अंदाज है, उस बात को रंजना आप भी जानती हैं और पूरी मैं भी जानता हूँ, वो किस तरह से साथ लेकर चलते हैं, चलने की बातें कहते हैं। एक बात तो सामान्य तौर पर ये सीधे होती है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आप इसमें हमारा साथ दीजिए, लेकिन उन्होंने पिछली बार जिस तरह से अपनी बात को रखा, उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में लगातार एक महामारी फैल रही है, उस महामारी को रोकने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सब लोगों को अपने स्तर पर एक जनता कर्फ्यू को लगाना चाहिए और जनता कर्फ्यू किस तरह से सफल रहा था वो हमने देखा। प्रधानमंत्री ने अपील की कि जब जनता कर्फ्यू शाम तक चलेगा, उसके बाद 5 बजे आप लोग अपनी बालकनी पर निकल कर आएँ, थाली ताली शंख घंटी सब कुछ बजाएं, तो उस वक्त पूरा देश निकल कर आया। तो आज प्रधानमंत्री किन चीज़ों को कहते हैं, किन चीज़ों से लोगों के रूबरू कराते हैं, वो सारी चीज़ें भी आज एक बार पता चल जाएंगी। और जहां तक रंजना मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश यही होगी कि लोगों को वो इस महामारी के गंभीरता को समझाएं, लोगों को महामारी के जिस तरह से पूरी दुनिया में इसके सिम्टम देखने को मिले हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया में चीन हो, इटली हो, अमेरिका हो या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हो, वहाँ पर जिस तरह के कदम देखने को मिले हैं, उसके कारण वैसी स्थिति भारत में ना आए, इसके लिए हमें किस तरह से अपना लाइन ऑफ एक्शन तैयार करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को होगा। तो कुल मिलाकर आप प्रधानमंत्री 8 बजे आज क्या संबोधन देते हैं ये तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर अपने आप में बेहद गंभीर बात है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि प्रधानमंत्री के संबोधन की जरूरत महसूस ही की जा रही थी और वो आज एक बार फिर से संबोधन करने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो आज एक बार फिर से पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। अगर हम देखें, जो रविवार के दिन जनता कर्फ्यू लगा था काफी हद तक सफल था, लोग घरों से बाहर नहीं निकले, समर्थन दिया, जो लोग इस आपात स्थिति में लड़ रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, कोरोना संक्रमितों को बचा रहे हैं, उन लोगों का धन्यवाद दिया। लेकिन उसके अगले ही दिन सोमवार
और अब मंगलवार स्थिति उलट नजर आ रही है। लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, इसे एक मजाक की तरह ले रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे, छुट्टी का दिन बता रहे हैं इसको। घर पर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इसलिए निकले हैं घर से बाहर ताकि हम देखें कि बाहर कैसा माहौल है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये पूरी तरह से नासमझी ही कही जाएगी कि जिस तरह से वो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जिस तरह से वो लोग पुलिस को काम करने में मदद की बजाय एक तरह से पुलिस के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि वो लोग महज अपनी जान को खतरे में नहीं डाल रहे हैं बल्कि वो लोग कई और लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। और कोई और क्यों कहूँ रंजना, मैं ये कहूँगा कि वो लोग सिर्फ अपनी जान को खतरे में नहीं डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार के सभी सदस्यों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि जब वो बाहर से होकर अपने घर में जाएंगे तो उसके बाद किस तरह से वो संक्रमण उनके जरिए उनके घर तक पहुंचेगा, ये निश्चित तौर पर बेहद गंभीर स्थिति होगी कि जब एक ही घर में कई सारे मामले पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि मेरी गलती का खामियाजा मेरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है, मेरी गलती का खामियाजा मेरे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। तो इस तरह की चीजों को हमको ध्यान में रखना होगा और जब तक हम इन चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की चीजों से हमको राहत मिल सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सेल्फ असेसमेंट की जरूरत है कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाएंगे। बहुत शुक्रिया।